15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदार है। सर देखिए वहां और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडो अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने झुकते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। सिंह की पेट्रोल थ्री टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान। और अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद दिलो रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी भाईचारे और भारत के लिए फौजी। जहाँ एक घुसपैठिया होता है वहां और भी होते हैं। कॉर्पोरल तुम कहाँ हो? मैं अपनी टीम को ढूंढ लूंगा और फिर हम इन बेहुदा लोगों को वापस घर भेज देंगे। अभी तक मेरे फौजियों का कुछ आता पता नहीं। ये यहाँ क्या कर रहा है? Ah!
ने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। तो हो एक और क्या, ये कोई आम बॉर्डर का बोल रहा है। तुम कायरों ने मेरे आदमियों को कहां छिपा रखा है? कायरों, तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते। शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब होगा। Goodbye. Not the elite commander after all.